हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से पाई बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने ले लिया है गोट की पाई, साथ ही मैंने उसका हेड भी लिया है जिसको मैंने हल्दी और नमक के पानी से अच्छी तरह से धो के और बॉईल कर लिया था। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ पाई को ही बना सकते हैं। हमें चाहिए इसके लिए 2 छोटे साइज के लहसुन, 4 प्याज चाहिए मीडियम साइज की, ये थोड़े से कुछ खड़े मसाले जैसे जावित्री, काली मिर्च, काली इलायची, हरी इलायची और लौंग है और थोड़ा सा जीरा है, 2-3 बे लीव्स हैं, थोड़ा सा ड्राई जिंजर है। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर लेंगे हम, चिली पाउडर भी लेंगे, अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं, और ऑयल लेंगे। ऑयल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैंने 1.5 सर्विंग स्पून से इसको लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो ऑयल को देखिए मैंने अच्छे से कर लिया है गर्म, ये है मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। नॉनवेज के लिए मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब तक हमारे प्याज फ्राई होंगे तब तक जो मैंने मसाले लिए हुए थे उनको हम अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। तो चलिए करते हैं। अब यहीं पे हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक प्याज के साथ अगर ऐड करते हैं तो प्याज जल्दी से भुन जाते हैं। तो प्याज देखिए हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है। अब यहाँ हम बेलीफ डाल देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। एक टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून के करीब मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और हम इसे करीब 30 सेकंड तक इसको इसमें भून लेंगे थोड़ा सा। और मैंने देखिए ये मैंने मसालों को, सारे मसालों को और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर लिया है जब तक हमारी प्याज दाल हो रही थी। अब यहीं पर हम ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। के करीब इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और जले भी ना। तो देखिए पानी और मसाले को मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला मेरा कितना अच्छे से भुन गया है। और ये देखिए पूरा ये ऑयल इसमें रिलीज कर दिया है। मैंने बीच बीच में इसको चलाया था ताकि ये जले ना, तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाई और ये जो हेड है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हम लगाएंगे 5 विसल्स। मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब, बड़े कप से पानी ऐड कर देंगे और 1 विसल आने पे इसे स्लो पे रखेंगे ताकि हमारी 5 विसल्स आ जाएं। उसके बाद हम इसे ओपन करके रखेंगे। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 5 विसल्स हो गए हैं। अब मैंने इसे खोल दिया है और देखिए कितने फाइन बन गए हमारे, इतना खूबसूरत कलर इसमें आया हुआ है। तो चलिए अब इसे करते हैं डिश आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, पाए हमारे बनके हो गए हैं रेडी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बोन्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। तो आप इसे घर पे बहुत इजी वे से बनाइए और ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।